हेलो दोस्तों, ये है इंडिया की नंबर वन इलेक्ट्रिक बाइक रिवोल्ट आरवी 400। ये भारत की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक बाइक कही जाती है। आज मैं इस बाइक का फुल रिव्यू आपको दूंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक किसी भी वीडियो में आपको बताया नहीं गया होगा। तो दोस्तों, कंपनी क्लेम करती है कि इस बाइक की खासियत यह है कि 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और एक चार्ज होने पे लगभग 150 किलोमीटर तक चलती है। आज मैं इस वीडियो में इस बाइक की सच्चाई आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, क्योंकि ये बाइक लिए हुए मात्र 1 महीना हुआ, नंबर प्लेट आ चुका है और जैसे ही नंबर प्लेट आया मैं आपके सामने इस बाइक का रिव्यू वीडियो लेके आ गया। दोस्तों, इस बाइक को परचेज करने के आज 1 महीने हो गए। 1 महीने बाद मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस बाइक का एक्सपीरियंस लेना चाहता था, खुद एक बार अनुभव करना चाहता था और इसकी पॉजिटिव और निगेटिव बातें मैं जानना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था, उसके बाद आपको इस बाइक के बारे में बताने आया हूँ। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इस बाइक को मैंने जब इको मोड में यूज़ किया तो कंपनी कहती है कि 45 किलोमीटर पर आवर जाएगी, लेकिन अगर आप अच्छे से बाइक को चलाते हैं, मतलब कि एक बाइक चलाते समय बार बार थ्रस्ट को लेना, बार बार इसको स्पीड डाउन, मतलब एक होता है कि रफ़ टाइप की बाइक चलाना, उस तरह से अगर आप चलाते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है। 45 किलोमीटर का तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से बाइक को चलाते हैं स्मूथली और धीरे धीरे स्पीड थ्रस्ट बढ़ाते जाते हैं तो आपको ये 45 की स्पीड क्रॉस कर जाती है, 50 तक भी चली जाती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि मैं 45 से 50 तक भी लेके जा चुका हूँ ओनली ईको मोड में। तो आपको ये अच्छी बात है क्योंकि ईको मोड में ही ये बाइक 150 किलोमीटर जाती है और ईको मोड में अगर आप चलाते हैं तो 45 एक नॉर्मल स्पीड हो जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो उससे भी बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसके बाद बात आती है सिटी मोड की। सिटी मोड में 65 किलोमीटर की स्पीड कंपनी क्लेम करती है, लेकिन सेम सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप बाइक चलाते कैसे हैं। मैं सिटी मोड पर भी 70 तक लेकर गया हूँ, 69 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड लेके गया हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट मोड में मैं इस बाइक को हाईवे पे यूज किया तो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेके गया, बल्कि कंपनी 85 किलोमीटर ही क्लेम करती है। तो ये है इस बाइक की खासियत, इलेक्ट्रिक बाइक है पर कोई कमी नहीं है। लोगों के मन में एक हवा है कि इलेक्ट्रिक बाइक है तो लाइक ई रिक्शा जैसे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिक्सर यूज करता था, आप लोग जानते हैं, मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, जिक्सर बाइक को मैं यूज करता था, लेकिन उस बाइक को सेल करके मैं ये बाइक लिया और इस बाइक से मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि इसमें जो पिकअप है उससे काफ़ी बेटर है, पेट्रोल बाइक से काफ़ी अच्छी ये बाइक है। आप इसे बहुत आसानी से यूज करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली यूज कर पाते हैं। दोस्तों, अभी तक मैं इस बाइक को यूज किया उसमें मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, मैं आसानी से चार्ज कर पाता हूँ इस बाइक को। अभी तक मेरे घर में मैं डायरेक्ट इसे प्लग नहीं कर पाता था तो इसका बैटरी निकाल के ले जाके, क्योंकि इसकी बैटरी प्लग अनप्लग हो जाती है, तो निकाल के रूम में ले जाके चार्ज करता था। तो बल्कि अब मैं इसका सारा सॉल्यूशन कर लिया हूँ तो चार्जिंग में मुझे कोई इशू नहीं आया, बाइक चलाने में कोई इशू नहीं आया, बल्कि मुझे हमेशा पॉजिटिव ही फीलिंग्स आई है। इसकी बैटरी फुल चार्ज होने में 3.5 घंटे से 4.5 घंटे का टाइम लेती है और 100% चार्ज करने के बाद अभी तक मैं इसे फुल राइड नहीं कर पाया हूँ कंटिन्यू 150 किलोमीटर तक का। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं 100% चार्ज करके कंटिन्यू राइड करके ये देखने की कोशिश करूँगा कि क्या सच में ये 150 किलोमीटर चलती है या फिर उससे कम चलती है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अगला वीडियो फुल राइड पर लेके आ जाऊँगा। अगले वीडियोस में मैं आपको इसके निगेटिव बातें बताऊंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके जाइए, कमेंट में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।